लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लैक का खेल हो रहा था, क्योंकि काउंटर में जब हम लोग सुबह से यहाँ पर लगे हुए थे 10,000-7,000 का टिकट लेने के लिए, वो हम लोग को अवेलेबल नहीं हुआ। 9 तारीख को मैच है तो बहुत पहले सारा काम छोड़ के पहले देश के नाते से देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मैच, जो वनडे मैच है, वो आज दूसरा मैच, पिछली मैच लखनऊ में हो गई, दूसरा रांची में है। और रांची में मैच शुरू होने से पहले का नजारा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। ये देखिए, राजधानी रांची में अगर बात की जाए तो पड़ोसी राज्य के भी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये दर्शक सभी अपने अपने सीट जो बुक कराए हैं, वो अपने सीट को लेने जा रहे हैं। हम बात करेंगे और समझे कहाँ से आए हैं। औरंगाबाद जिला मदनपुर थाना। कब लिए थे टिकट? परसों लिए थे। कितने दिनों से इंतजार था इस मैच का? बहुत दिन से, बहुत दिनों के बाद मौका मिला इस बार। आशी कितने लोगों की टीम आई है? हम लोग 10 टीम है। अच्छा, क्या उम्मीद लगता है आज इस बार इंडिया तो जीतेगा ही? जीतेगा। अगर नहीं जीती तो ये तो हाथ से भी निकल जाएगा। तो वो तो समय बताया ना कि जैसा है वैसा जीतेगा। जीतेगा। ये क्रिकेट प्रेमियों का जो झुंड है वो देखते हुए बन रहा है यहाँ पर। और भी कई दर्शक है, कहाँ से आए? मैं बिहार से औरंगाबाद से आया हूँ। अच्छा। और मैच को देखना है। भारत इस बार जीतेगी। जी जीतेगी इंडिया। तैयारी के साथ आए? तैयारी के साथ आया हूँ। जी एक बार जोश दिखाइए। जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत माता की, भारत माता की, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। जी बोलिए, सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर को देखने की उम्मीद? संजू सैमसन। लेकिन धोनी को कितना मिस करेंगे? विराट कोहली को कुछ नहीं है, धोनी का गया। धोनी है तो सब कुछ। धोनी अगर 80 साल की उम्र में भी खेलेगा तो हम धोनी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, चाहे वो धोनी बूढ़ा क्यों ना हो जाए। जी कहाँ से आए? बिहार से आए। बिहार से मतलब रांची आने के लिए कितने दिनों से तैयारी थी? रांची आने के लिए तो बहुत पहले से, जैसे पता चला कि 9 तारीख को मैच है तो बहुत पहले सारा काम छोड़ के पहले देश के नाते से। और हमारे बिहार के ऑनलाइन टिकट इजीली मिल गई? नहीं, बहुत दिक्कत से, परेशानी से सामना, लाइन में आदमी को खड़ा करवा के उसके बाद यहाँ से टिकट प्राप्त हुआ है। दिन भर रात तक एकदम? हाँ, उसके बाद क्योंकि हमारे बिहार के शेर ईशान किशन भी खेलेंगे और उम्मीद है कि आज बहुत बेहतर खेलेंगे। हमारी बिहारी कहावत है, एक बिहारी वही आलोच करेंगे। ईशान किशन, उम्मीद है कि मुकेश कुमार को भी मौका मिले तो और बढ़िया खेलेंगे। और यही उम्मीद है, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। हालांकि आपको मैं यहाँ पे छोटे जो खेल प्रेमी है वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, स्टेडियम में जाने से पहले की तैयारी। क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप, किसे देखने जा रहे हैं? आपके साथ है? कहाँ से आए? रायपुर से। छत्तीसगढ़, बिहार, सभी यहाँ पहुँच रहे। कितने दिनों से टिकट कटा रखा था आप लोगों ने? कल हम लोग आए हुए थे यहाँ पर और हम लोग काउंटर से टिकट लिए, लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लैक का खेल हो रहा था, क्योंकि काउंटर में जब हम लोग सुबह से यहाँ पर लगे हुए थे 10,000-7,000 का टिकट लेने के लिए, वो हम लोग को अवेलेबल नहीं हुआ। और हम लोग को 1900 का टिकट दिया गया और सभी टिकटों को ब्लैक किया गया है खुलेआम। लेकिन मिल गई आपको टिकट? हाँ, 1900 का टिकट। हाँ, होटल में ठहरे। कितने लोग आए रायपुर से? रायपुर से हम लोग 12 लोग आए हैं। पूरी फैमिली है? किसे देखने का ज्यादा इंतजार है, किसे पसंद करते हैं आप? क्रिकेट देखते हैं? यस। किसको पसंद करते हो आप? क्रिकेटर का नाम पता है? नो। कोई बात नहीं। धोनी की नगरी में आज मैच होने वाला है और ये सभी जो खेल प्रेमी हैं लाइन लगकर, बकायदा ये लाइन मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी, 11:30 बजे से जेएससीए स्टेडियम में जाने का इंतजार है। ये प्रोसेस है और द न्यूज पोस्ट की टीम आपको ये पूरी जो यहाँ पर तैयारियां हैं बाहर से आपको दिखाएगी। पल पल की अपडेट्स आपको यहीं से देते रहेगी। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।